हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए नेचर्स का गोल्ड ब्लीच लाया हूँ। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे और इसको खोलकर देखेंगे इसमें क्या क्या आता है और किस तरह से इसको यूज करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर नेचर्स ये ब्रांड है इसका और ये अरोमा थेरेपी ब्यूटी सॉल्यूशन के साथ आता है और ये गोल्ड ब्लीच है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फेयरनेस ब्लीच क्रीम यूज ट्वाइस अ मंथ फॉर इफेक्टिव रिजल्ट। अगर आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आप इसे महीने में कम से कम दो बार यूज़ कर सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 70 रुपीज़ इसकी प्राइस है और यहाँ पर बैच नंबर और एक्सपायरी डेट वगैरह लिखी है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप इसकी क्वांटिटी जो है 43 ग्राम है। इसमें 35 ग्राम क्रीम है और एक्टिवेटर पाउडर 8 ग्राम है। तो चलिए इसको खोल कर दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़िलहाल इसमें 10 रुपये का एलोवेरा जेल फ्री आ रहा है। जैसे कि कुछ लोग को ब्लीच लगाने के बाद इरिटेशन वगैरह होती है, जलन होती है, तो उससे आपको ये अच्छा है, इसमें आप एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं। तो इसे खोल कर देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक एलोवेरा जेल की पैकेट मिली है जो कि इसकी MRP 10 रुपये है। ये फ़िलहाल अभी फ्री आ रही है या पहले से ही आती है मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल इसमें ये फ्री आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिकर जैसा कुछ लगा है। और इसके अंदर ये एक्टिवेटर पाउडर है और उसके बाद ये हमारी क्रीम है, ये देख सकते हैं ये क्रीम है और इसमें एक स्पैचुला है। उसके बाद देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसको हम बॉक्स को साइड में रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैं आपको क्रीम खोल के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह की क्रीम है, एकदम वाइट कलर में है क्रीम ये। इसको हम बंद करके रख देते हैं। और ये इसका एक्टिवेटर पाउडर है। तो आपको इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे और ब्लीच यूज़ की जाती है उसी तरह से आपको ये यूज़ करना है। जैसे कि आपको अगर ये क्रीम आपको 2 चम्मच लेना है तो इसका जो पाउडर है आपको 1 से 2 चुटकी लेना है। इसकी क्वांटिटी मतलब 1/4 रहनी चाहिए। और इसको आपको यूज़ करने से पहले कहीं भी किसी जगह अपने हाथ पर या फिर आर्म के पास, कोहनी के पास कहीं आपको थोड़ा सा यूज़ करना है। अगर आपको जलन होती है, आपको इससे कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको सही रहता है। तो आप जहाँ पे आपको ये यूज़ करना है आप स्किन अच्छे से धो लें, साफ़ कर लें, उसके बाद 1/4 क्वांटिटी में इसको मिक्स करें। कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्सर करें इसको। और ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आप इसे अपनी स्किन पर जहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं फेस पर अप्लाई करें। ये याद रखें कि आईब्रो पे और आँख के आजू बाजू ये न लगे। और आप इसे 10 से 15 मिनट छोड़े रखें, उसके बाद आप साफ़ पानी से अपना फेस क्लीन कर लें। उसके बाद आप अगर चाहें तो एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं, आप इसे लगाकर मसाज कर सकते हैं या इससे नॉर्मल मॉइस्चराइज़र के लिए ये जेल है तो इससे आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था नेचर्स ब्लीच का रिव्यू। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मैं आपको इसी तरह और भी प्रोडक्ट के जेन्युइन और रियल व्यू दिखाते रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। ओके।